नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक फ़ोन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक फ़ोन की सच्चाई हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी चैनल पे पहले किया था, लेकिन बाद में हमने करना छोड़ दिया था। तो एक फ़ोन है आई स्मार्ट आई वन डायनामाइट। जी हाँ दोस्तों, आई स्मार्ट आई वन डायनामाइट, इसके बारे में हम आज डिटेल बताएंगे। तो इसके बारे में यूट्यूब पर अभी ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो इसके बारे में सही से बात कर सके सही से। तो इसकी बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप डिटेल देख सकते हैं, पहले तो डिटेल आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, बाद में मैं इसकी कमियां भी बताऊंगा, जो इसकी अच्छाई वो भी बताऊंगा। तो इसमें 6 इंच की डिस्प्ले बताई गई है, 5-5 के डबल कैमरे बताए गए हैं फ्रंट एंड सेकेंड, जो ठीक है प्राइमरी एंड फ्रंट। और LTE सपोर्ट करता है, 3G वाईफाई फुल ये डिस्प्ले लिखा हुआ है। क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें, 2GB रैम है, 16GB रोम इंटरनल दिखा रखी है, 4G वॉलेट है, एंड्रॉयड 7 इसमें मिलता है। फेस अनलॉक इसमें दिखा रखा है, फिंगरप्रिंट अनलॉक भी इसमें दिखा रखा है। तो ये तो हुई इसकी डिटेल की बात। अब फ़ोन की सच्चाई के ऊपर चलते हैं हम कि असली में फ़ोन में क्या है। तो देखिए फ़ोन, देखिए आप सामने से अच्छे से देख सकते हैं। तो इस आप फ़ोन को इस आप गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे साइड में इसमें एक कैमरा दे रखा है, फ्रंट कैमरा जो कि 5 मेगापिक्सल का है। एक फ्रंट में इसमें फ्लैश भी दे रखा है, और बीच में आप देखेंगे कि एक नोच दे रखा है। जो दोस्तों ये नोच है, नोच की सच्चाई है कि नोच बिल्कुल नकली है, क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पे है ही नहीं, डिस्प्ले नीचे नीचे। और ये नोच का जो छेद देख रहे हैं, जहाँ पर कैमरा होना चाहिए वहाँ पर एक छेद दिखता है। ये ऐसा लगता है जैसे मछली की किसी ने आँख निकाल ली हो, राइट? जैसे मछली की कोई आँख निकाल लेता तब लगता है, तो ऐसा लगता है, काफ़ी बुरा लगता है। और इस छेद के नीचे पता है क्या है, स्पीकर लगा रखा है, स्पीकर बात करने के लिए। तो इसमें स्पीकर यहाँ पे दे रखा है, अगर इस छेद को हम बंद कर देते हैं तो स्पीकर की आवाज़ आपको नहीं सुनेगी। तो यहाँ पे छेद दे रखा है कैमरे का, लेकिन इसके नीचे है स्पीकर, ठीक है। तो ये सबसे घटिया चीज़ मेरे को इसमें लगी। अगले बात करते हैं दोस्तों, पीछे की तरफ हम आ जाते हैं। तो इसमें देखिए पीछे 2 कैमरे दिखा रखे हैं, जबकि डिटेल में लिखा है कि एक ही कैमरा है। तो दूसरा कैमरा इसमें काम नहीं करता, पहले बात तो, राइट? दूसरा नकली है बिल्कुल, फ्लैश काम करता है, नो प्रॉब्लम। पीछे आप फिंगरप्रिंट देख रहे हैं, ये बिल्कुल नकली है, प्लास्टिक का, कुछ भी काम का ये नहीं है, बस एक टुकड़ा इस पर रखा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। बाकी इसमें IMEI नंबर इसमें लिखे गए हैं, मॉडल नंबर लिखा गया है, और जो मेन चीज़ होती है बॉडी SAR वो नहीं लिखा गया है इस पर, ठीक है। जो बॉडी का जो रेडिएशन जो है ना, जो रेडिएशन की मात्रा है वो इस पे बिल्कुल भी नहीं दी गई है, तो एक ख़राब बात है। SAR वैल्यू इस पे बिल्कुल भी नहीं दी गई है, ठीक है। तो कितना रेडिएशन छोड़ेगा ये कोई कंफर्म नहीं है इसका, ठीक है। तो ये तो इसकी बात है, 2 चीज़ें बिल्कुल नकली हैं, सामने का नोच, पीछे फिंगरप्रिंट, राइट। अब इसके अंदर ये बैटरी है जो कि 3000 mAh की है, लगा के इसको ऑन कर लेते हैं। तो इसको ऑन कर लेंगे, तो इसको हम बंद कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। जबकि इसकी बॉडी की जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, ठीक है, वो फिनिश वीडियो में भी आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन सामने से जब आप देखेंगे कि बहुत बुरा लगता है, सामने छेद दे रखा है। तो अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, आई स्मार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑन हो जाता है। तो मोबाइल ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप। जब आप इसकी जो डिस्प्ले है कैमरा में या वीडियो में देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी आपको दिख रही है, क्योंकि कैमरा में कुछ चीज़ों का पता लगता नहीं है असली में कि क्या असलियत है, ठीक है। अब इसके अंदर की जाने की बात करते हैं, मैं इस फ़ोन की सारी सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसके अंदर जाने की बात करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। तो इसमें हम जाएँगे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे मेमोरी पे हम जब क्लिक करते हैं तो मेमोरी दिखा सकता है, पूरी की पूरी मेमोरी दिखा रहा है कि 268 MB यूज़ है, ओके, ठीक है। स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज यानी कि इंटरनल मेमोरी, तो यहाँ पे दिखा रहा है 2.26 GB यूज़, ठीक है, और टोटल दिखा रहा है 16 GB। लेकिन ये सरासर एक गलत चीज़ है, यहाँ पर 16 GB जो दिखा रहा है वो गलत है, ये दिखा कुछ रहा है लेकिन इसमें है कुछ। मैंने इसमें कोशिश की, मैंने इस मोबाइल में पहले भी कोशिश करी, क्या कोशिश करी कि इसमें 2 GB का एक फाइल डाल के डालने की कोशिश करी, लेकिन इसमें
स्पेस नहीं है ये दिखा रहा था, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल मेमोरी इतनी है ही नहीं, बस इसमें इतनी है, दो चार ऐप डले हुए हैं जैसे YouTube, Facebook बस और WhatsApp, तीन ऐप बस इतने ही चला सकता है ये। बाकी अगर ऐप इसमें डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें फर फाइल नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे 16 GB ये दिखा रहा है, डिटेल में भी है, लेकिन इसमें वाकई में 16 GB नहीं है। बाकी बात करें रैम की, तो रैम की बात करें तो रैम का भी कोई आइडिया अभी तक नहीं लग पाया है कि रैम इसमें कितनी है। वैसे 2 GB दिखा रहा है, तो चलो रैम पे हमने इसमें भी टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इसकी एक ये सच्चाई कि इसमें इंटरनल मेमोरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अबाउट की, तो अबाउट में एंड्रॉयड वर्जन 7 मिल जाता है, ओके नो प्रॉब्लम, एंड्रॉयड जो लिख रखा है वो है, ठीक है, डिटेल सही है इसकी। अच्छा अब बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी अभी इसकी जो थी 100% थी, लेकिन अभी दिखा रहा है कि 91% ये, ठीक है, तो 91% कुछ टाइम में इसकी काफ़ी सारी बैटरी डाउन आई है। और बैटरी की सच्चाई कि इसकी बैटरी काफ़ी ठीक चलती है, 3000 mAh की है, तो 3000 mAh की जितनी बैटरी चलती है चल जाती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अब हम इसको यूज कर रहे हैं थोड़ी देर में, देखिए 91 से 90 पर बैटरी आ चुकी है, राइट, देख पा रहे हैं वीडियो में, तो 90 पे आ गई। अब धीरे धीरे ये एक मिनट में 2-3% खाएगा, हर मिनट में 2-3% खाएगा, और इसकी बैटरी अटक जाएगी जाकर कहाँ पर, 1% पर। और जब इसकी बैटरी 1% पर अटक जाती है, चली जाती है, कि जब आप सोचेंगे कि 1% ये तो बंद होने वाला है, तब इसकी बैटरी का असली काम शुरू होता है, तब इसकी बैटरी चलती है। यानी कि इसकी बैटरी चल रही है नो प्रॉब्लम, लेकिन ये दिखा गलत रहा है। अब आप देखेंगे कितनी जल्दी एक बैटरी 1% बैटरी इसकी उतर गई है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि बैटरी तो इसकी चल रही है, लेकिन ये बैटरी गलत तरीके से दिखा रहा है। जब ये 1% पे आ जाता है तो इसका कैलकुलेशन करने का तरीका जो पूरी तरह से गलत है। और इस पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है दोस्तों, और डब्बे पे आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया का इस पे ठप्पा लगा है। हो सकता है इंडिया में बना हो, लेकिन माल तो चाइनीज है, पार्ट सारे चाइनीज है, और असेंबल भी ऐसा किया है कि यहाँ पे जहाँ पे कैमरा होना चाहिए वहाँ पे स्पीकर दे दिया है, जहाँ पे फिंगरप्रिंट होना चाहिए इसका फिंगरप्रिंट नहीं है। और फिंगरप्रिंट की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट दिया है डिस्प्ले में, जब हमने इसका डिस्प्ले के यहाँ पे टच में यहाँ पे फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, जब हमने इसका फिंगरप्रिंट सेट किया तो हमने एक अंगूठे का सेट किया था, राइट, एक अंगूठे का सेट किया था, लेकिन जब हमने इसको खोलने की कोशिश की तो सभी उंगलियों से खुल रहा है। जब हमने अंगूठे का सेट किया तो बाकी उंगली से क्यों खुलेगा, लेकिन ये सब से खुल रहा है। हाथ की उंगली से खोलो, पैरों की उंगली से खोलो, कैसे भी खोलो, ये शरीर का ऐसे कोहनी टच कर दो तो भी खुल जाएगा। इसका मतलब है इसका फिंगरप्रिंट इसमें डिटेल में दे रखा है, लेकिन फिंगरप्रिंट वास्तव में कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं करता, कोई भी इसको खोल लेगा। तो इसमें पैटर्न काम कर सकता है, पैटर्न आप चला सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो ये थी कुछ इसकी सच्चाई। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले की बात करें तो 6 इंच की इसमें डिस्प्ले है, और जब डिस्प्ले पे हम कोई वीडियो देखेंगे तो वीडियो में कोई क्वालिटी नहीं आएगी, 220 की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप 1080 की चला लो, चाहे कितने भी HD वीडियो चला लो, आपको क्वालिटी ही नहीं मिलेगी। और जब आप क्रोम में कोई ब्राउजिंग करेंगे तो क्रोम में जो नंबर आते हैं ब्राउजिंग के, जो मतलब कि अक्सर लिखे होते हैं, शब्द लिखे होते हैं, वो बहुत बारीक दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे आप समझ में नहीं आएगा, जूम करके देखना पड़ेगा, राइट। बाहर से आप इसकी डिस्प्ले अच्छा लग रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो में भी अच्छा लग रहा होगा कि इतना अच्छा क्यूट फोन है, राइट। तो ये इसकी सच्चाई है। अब बात करिए हमने कैमरे की क्वालिटी की, तो कैमरा हम जब हमने इसका ऑन किया तो वीडियो में 1 सेकंड के लिए फ्रंट चल रहा है, तो दोनों ही 5 MP के, सही बात है। और यहाँ पे देखेंगे तो वीडियो में काफ़ी अच्छा आपको दिख जाएगा। और वास्तव में इसके कैमरे की क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज है, ठीक ठाक है, लेकिन इसकी डिस्प्ले में, इसी फ़ोन की डिस्प्ले में कैमरे की क्वालिटी अगर आप चेक करेंगे तो इतनी घटिया लगेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि 1% भी कैमरा अच्छा है। जैसा कि 0.3 का कैमरा आता है, ऐसी क्वालिटी आपको इसमें इसके फ़ोन में इसमें दिखेगी, राइट। लेकिन आप ये जो क्वालिटी देख पा रहे हैं ये इसकी क्वालिटी नहीं है, ये जो फोन रिकॉर्ड कर रहा है, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है उसकी क्वालिटी है, राइट। तो इस कैमरे की क्वालिटी के कुछ इमेज मैंने अपने पर्सनल मोबाइल में भेज के, पर्सनल फ़ोन में भेज कर टेस्ट किए थे, तो पाया कि कैमरे की जो इसकी क्वालिटी थी वो 5 MP जितनी थी नॉर्मल थी, लेकिन इसके इस डिस्प्ले में देखने पर बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। जब इसका ब्राइटनेस हम फुल कर लेते हैं तो कलर वगैरह जो है वो ठीक से नहीं दिखते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ब्राइट ब्राइट दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है सही से।
तो ये इसकी सच्चाई, फ्रंट कैमरा भी ऐसा ही है इसका। तो अब आपकी बैटरी देखेंगे, देखिए 88% पे आ चुकी है, 87% पे, ठीक है, तो अभी घटती जा रही है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं चलाया, देख सकते हैं लाइट भी इसका काफ़ी कम कर रखा है, ठीक है। तो इतना कॉन्ट्रास्ट भी मैंने इसका नहीं खोल रखा कि बिल्कुल फुली कर रखा है, लेकिन ये फ़ोन की सच्चाई है। तो दोस्तों, इस फ़ोन को ख़रीदने से पहले आप अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस या मार्केट प्राइस आप इस पे डब्बे पे देख सकते हैं, फिर कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, 5,999 है ऑल टैक्स समेत, राइट, यही फ़ोन है i1 Dynamite। तो 6,000 इसके प्राइस रखे गए हैं, बाकी आप शॉपक्लूज पे ख़रीदेंगे तो आपको हो सकता है 4,000 में मिल जाए, फ्लिपकार्ट पे आपको 6 में मिल रहा है, तो 6,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि ये फ़ोन अगर मेरे को 500 रुपये में भी मिले तो भी मैं इसको नहीं रखने वाला, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के खेलने का खिलौना है। बाकी इसको बच्चों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस पर रेडिएशन की कोई रेंज नहीं दी गई है, और एक तरह से फ्रॉड फ़ोन मैं इसको बोलूँगा मेरे हिसाब से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस फ़ोन को ख़रीदने से पहले वीडियो देखें, इतनी डिटेल है, इतना हो सकता है कि आप इसमें व्हाट्सअप फेसबुक चला सकते हैं, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते, कॉल कर सकते हैं, जियो सपोर्ट करता है, राइट, बस इतनी इसकी सच्चाई है। बाकी इसमें मेमोरी कुछ नहीं है, चिप डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड डाल के काम चला सकते हैं। बाकी इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वॉल्यूम भी इतनी तेज नहीं है, नॉर्मल वॉल्यूम है, जैसे कि इसका स्पीकर फट गया हो कुछ ऐसा सुनाई देता है, राइट। तो एक सच्चाई है, मैं इसकी धज्जियां नहीं उड़ा रहा हूं कि आप सोचो कि किसी फोन की कंपनी की ब्रांड की प्राई कर रहा है, जो बनाया है जो है वो मैं बता रहा हूं। और मेरे को तो 500 रुपये में मिलेगा तो भी मैं नहीं लूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।